आज बाबा के 17 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने ड्रामा का राज समझाया कि बाबा त्रिकालदर्शी होते हुए ड्रामा को जानते हुए भी पहले कुछ नहीं बताते हैं, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, अगर मैं पहले से बता दूं, एक तो इसका मजाक निकल जाएगा, दूसरी बात ये ला नहीं कहता कि मैं आपको पहले बता दूं। जो कुछ भी होगा आप उसे साक्षी होकर देखते रहेंगे, क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। इस ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, जो बीता सो ड्रामा। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि जो वर्तमान संगम युग का समय है, जब आप गॉडली स्टूडेंट हैं, परमात्मा के बच्चे बने हैं, आपको परम सुख परम आनंद मिल रहा है, क्योंकि आप सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। ये आनंद सत्यों के देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। वर्तमान में बाबा की याद से अतींद्रिय सुख में रहना है, किसी भी परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को खराब नहीं करना। कोई शरीर भी छोड़ता है तो भी बाबा कहते हैं, आत्मा गई दूसरा शरीर लिया, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। सब कुछ नष्ट होने वाला है, आपको खुशी होनी चाहिए कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं। इस समय हमें लॉटरी मिली है। इस समय बाबा कहते हैं, जब आप बाबा के पास आए हो स्वर्गवासी देवी देवता बनने के लिए, घर वापस जाने के लिए, तो बहुत बहुत खुशी में रहना है। खान पान भी शुद्ध रखना है, कोई भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप स्वयं देवी देवता बन रहे हो। अटेंशन देकर अपने टेंशन को खत्म करना है। स्वयं में जो भी टेंशन वाली बातें हैं, पहले अपनी सर्विस फर्स्ट। बाबा ने कहा, जब दूसरों को देखते हो तो टेंशन शुरू हो जाती है। आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, आपको दूसरों की चिंता छोड़कर पहले स्वयं की सर्विस करनी है। बाबा याद दिला रहे हैं कि अपने टेंशन को समाप्त कर दो। योग की अनुभूति करने के लिए बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं, दृढ़ता से अपने मन को कंट्रोल करो। जहाँ दृढ़ संकल्प होता है तो मन को कंट्रोल करना सहज होता है। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं टेंशन से मुक्त आत्मा हूँ, मुझे विश्व कल्याणकारी बन सबके लिए कल्याण की भावना रखनी है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर है, समान है, उसका पूरा अंत तुम्हें मिला, उसे धारण करो और कराओ। बाबा के पास जो वक्खर है, समान है, जो गुण और शक्तियां हैं, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, उसे धारण करो और कराओ। कृष्ण त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते, क्यों? बाबा को सब कुछ पता है, कल की बात आज बाबा नहीं बताते, क्यों? बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। ये ला नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए भी मैं ड्रामा के वश हूं, पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। महसूस करेंगे, क्या होगा, मैंने चिंता छोड़ दी, जो होगा अच्छा ही होगा। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ओम शांति। ये है पारलौकिक आत्माओं का बाप, आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भले शरीर बच्चे का है, परंतु आत्माएं सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाबा आकर कहते, बच्चे, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद बाप को बहुत
याद करना है, इसमें मेहनत है। बेहद बाप को बहुत याद करना है, इसमें मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हमें पढ़ाने, साधु संत अपने घर से आते हैं, वह कोई गांव से आते हैं, बाबा तो परम धाम से आए हैं पढ़ाने। सोचो कितनी दूर से आए हैं बाबा हमें पढ़ाने के लिए, किसी को मालूम नहीं। बेहद का बाप पतित पावन गॉड फादर है, उनको ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाबा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्चित आनंद स्वरूप, उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये वक्खर है, कोई के पास दुकान होता कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। ज्ञान सागर, आनंद सागर, शांति का सागर हूँ, मेरे पास ये सब वक्खर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवर करने, जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ, फिर जितना जो धारण करे, बाबा तो सब कुछ दे देता है, फिर जितना जो उसे धारण करे, अब जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है, गाया हुआ है इसके ऊपर गायन कौन सा है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, ये सब अभी की बात है। आग लगेगी सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं, भले अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते। तुम बच्चे जानते यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी है। खानियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं, साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको जान जाएंगे। बाबा पहले से सब कैसे बता दे? बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ, जो ज्ञान अब तक मिला है वो ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उसको ड्रामा समझना है, जो कल होगा वो देखा जाएगा, कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं, कल्प की आयु लंबी कर दी, लंबी चौड़ी कर दी। इस ड्रामा को समझने की हिम्मत चाहिए, ड्रामा को समझने की हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना, समझते मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया अखबार में तुम लिख सकते हो ये प्रदर्शनी आज से 5 वर्ष पहले इस तारीख इसी स्थान पर इस रीति हुई थी, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। जानते हो दुनिया बाकी थोड़े दिन है, सब खत्म हो जाएंगे, हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे, फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता, अर्थात विक्रम होने का संवत। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो, पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहाँ तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहाँ देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। बाबा का बनते हो तो सोल कॉन्शियस बन जाते हो, देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को जानते हो, यह शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुम्हें मिलती है, दूसरा किसी को मिलती नहीं। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है, गाया जाता अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। अब तुम्हें लॉटरी मिल जाती, कोई चीज मिल जाती तो उसकी कितनी खुशी होती, गरीब से साहूकार बन जाते तो खुशी होती। बाबा ने कहा लॉटरी मिलती है तो उसकी बहुत खुशी होती है, और कोई चीज इतनी मिले तो खुशी नहीं होती, लॉटरी की बहुत खुशी होती है। जानते हो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही पाएगा। मुख्य बात बाबा कहते
अपने मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। वह सभी का अति प्रिय बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, वहाँ कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भगवान भगवती हो जाएं। इसलिए भगवान भगवती नहीं कहा जाता, भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचते ऊंचे मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, ये थर्ड नंबर, ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही हैं, फिर शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं। बाबा बाप, शिक्षक, सतगुरु हैं। सुनार, बैरिस्टर आदि सब हैं, सबको रावण की जेल से छुड़ाते। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं, बाबा कहते ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं, पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं, बाबा सिर्फ युक्ति बताते, मुझे याद करो तो माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए या दुख, तो बोला सुख। दुख हो ना सके सतयुग में, जानते हो इस समय सब सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। सब आत्मा रूपी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है, अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सबकी सदगति करने के लिए बाबा आते हैं, सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख, इसे शोक वाटिका कहेंगे। वो है अशोक स्वर्ग, जहाँ कोई शोक नहीं, वो है स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाबा को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा को याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सोतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्री मत पे चलना पड़े। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती, मत है ही दो। अब तुम श्रीमत लेते हो, फिर सत्युग में उसका फल भोगते हो, फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वो है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बन जाते हो। बाबा की मत पर चलकर कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे, कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते, परंतु वो है ही वॉइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां ये कोई विकार नहीं होते। बाबा ने समझाया देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्म अभिमानी नहीं। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्म अभिमानी भी हो, पहले दोनों नहीं थे। सत्युग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा पुराना शरीर छोड़ फिर जाकर नया लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता, अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। बच्चा होता तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। क्या योग बल से संतान नहीं हो सकती? योग बल से सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। क्या योग बल से संतान नहीं हो सकती? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता, बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिन्हें भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुम्हें भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो, देवताएं कभी भी कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं। देवी देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाबा कहते मेरे द्वारा मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, मेरे द्वारा मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सत्युग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अंत है,
मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे, तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं, परम पिता परमात्मा घर ले जाएंगे, इसको ही परमानंद कहा जाता। सत्यों में बातें होती नहीं, ये तुम अब सुनते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी कही गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आके हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं, तीनों ही बच्चों के सेवाधारी ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। कहते तो हम तुम्हारी सेवा कर तुम्हें सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे, तो सर्वेंट हुआ ना। वायसराय आदि हमेशा सही करते हैं, ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरंकारी है, कैसे बैठ के पढ़ाते हैं। बाबा निराकार निरंकारी है, कैसे बच्चों को निर्मानता से पढ़ाते। इतनी ऊंची पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे ना सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? ये बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पे आता हूँ। कहते हम कल्प पहले भी मिले थे, आज मिले हम बाबा से, 5 वर्ष पहले भी मिले थे। बाबा कर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाबा से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, ये याद रहने से खुशी रहेगी। बाबा से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, अगर ये बात याद रहे तो बहुत खुशी रहेगी, ये परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाबा ने अभी तुम्हें दिए। सत्युग में तो ये सब वरदानों की अनुभूति नहीं होगी, वहाँ तो जैसे कि बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं, इनको होती तो परंपरा से चली आती। तुम्हारे जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण बने हैं, निश्चय बुद्धि बने हैं, जिन्हें बाबा की बातों पर निश्चय है और पक्का निश्चय है कि हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, बाबा कहते हैं आप जैसी परमानंद की अनुभूति इन देवी देवताओं को भी नहीं हो सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, पहली पॉइंट है देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। हम स्वयं देवी देवता बन रहे हैं, खान पान की शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बना के स्वीकार करना है। बाबा को याद करके भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बना के स्वीकार करना है। परम पिता परमात्मा के बच्चे अथवा स्टूडेंट है, वो हमें अपने घर ले जाएंगे, इस नशे में परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। हम परमात्मा के बच्चे भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, इसी नशे में रह के परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान है, स्वयं के टेंशन पे अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने की बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। विस्तार में जाने की बजाय सार में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। बहुत सारे संकल्प करने की बजाय क्वालिटी के संकल्प करो। पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उसको समाप्त कर
विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट, अपनी सर्विस की तो दूसरों की भी सर्विस स्वतः हो जाएगी। पहले स्वयं को टेंशन फ्री करो, जब स्वयं को करेंगे तो दूसरों की सेवा स्वतः ही हो जाएगी, ऐसा अटेंशन देना है। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो, दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मुझे स्वयं पर अटेंशन देना है, मैं टेंशन फ्री विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। सूक्ष्म तरीके से मन को चेक करें, अगर किसी बात का टेंशन है बाबा को दे दें, मुझे दूसरों को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। अपने स्वरूप को देखें, अनुभव करें, मैं स्वचिंतन करके बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो, मुरली की तान बज रही।